नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर आजमगढ़ से आ रही है। लालगंज तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने और सीपीआईएम आम आदमी पार्टी के लोगों ने मिलकर जुलूस निकालकर किसान विरोधी बिल पर मोर्चा निकालकर सरकार को घेरा और एसडीएम लालगंज को ज्ञापन सौंपा। किसान बिल के विरोध में किसान संगठनों के आह्वान पर विभिन्न राजनीतिक दलों और तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने आजमगढ़ तहसील बार एसोसिएशन लालगंज अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता हामिद अली ने कहा, हम कृषि प्रधान देश में हम किसानों के हमदर्द हैं, जो हमारी सरकारी मंडी के अलावा भी प्राइवेट मंडी होगी, जिसमें उस प्राइवेट मंडी में पूंजीपतिपन मन चाहे तरीके से हमारी फसलों को खरीदेगा और जैसे चाहेगा हम लोगों को मनचाहे मनमानी ढंग से महंगे दामों पर बेचेगा। सरकार किसान बिल वापस ले ताकि किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिल सके। उप जिलाधिकारी लालगंज द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते समय तहसील बार एसोसिएशन लालगंज के वरिष्ठ अधिवक्ता कामरेड हामिद अली, राज कमेटी सदस्य सीपीआई यूपी मुजम्मिल जाहिद अली, प्रदेश उपाध्यक्ष एआईएसएफ यूपी सचिन यादव, सचिदानंद यादव जिला अध्यक्ष आजमगढ़, एआईएसएफ रंजीत यादव, एआईएसएफ जितेंद्र सिंह एडवोकेट, राम सेवक यादव, बी राम एडवोकेट आदि और अधिवक्तागण मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए आजमगढ़ फूलपुर से असगर आजम की रिपोर्ट।